पाकिस्तान में परिंदे इंसानों से भागते हैं, यहाँ परिंदे इंसानों के हाथों पे बैठते हैं। कभी सोचिएगा ऐसे क्यों होता है? आप डांटते हो उनको, ठीक है इस्माइल? परिंदों को पत्थर नहीं मारने चाहिए? नहीं। ओके फिर। सलाम अलैकुम। आज हम कर रहे थे DIY। इस मींस इसको कहते हैं डू इट योर सेल्फ। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। इस्माइल इधर लेके आओ ये बॉक्स। बॉक्स नहीं, ये देखें, ये इस्माइल ने और मैंने मिलके बनाया, बिलाल भी साथ थे। और ये है परिंदों का घर। आपने भी बनाना है, 3 मिनट की वीडियो इसको ज़रूर देखिएगा। इस्माइल ये हमने क्यों बनाया है? क्योंकि इसके अंदर परिंदे रहेंगे जी, उनको धूप नहीं लगेगी जी, उनको खाना भी मिलेगा जी, उनको पानी भी मिलेगा जी। किधर लगाएंगे इसको? आ जाओ बिलाल, वहाँ लगाएंगे। कौन लगाएगा? दादू लगाएंगे। दो उनको फिर हम लगा। अच्छा, ये मुहिम हमने शुरू की है और काइंडली आप लोगों से इल्तजा है, आप इसकी तारीफ भी पढ़िएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट भी करती है लोकल, लेकिन हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक मुहिम का आगाज़ किया है। आप लोग मुझे तकरीबन को 500,000 के करीब फॉलो करते हैं, कम से कम उसमें से सैकड़ों या हज़ारों लोग भी इस तरह के छोटे छोटे घर बनाएंगे। कोई खर्चा नहीं आया, ये चीज़ आई थी घर में स्टोरेज वाली, और ये देखिए इसमें से ये चीज़ें निकली हैं। उनसे मैंने और मेरे भांजे ने मिल के एक बना दिया परिंदों का घर, वहाँ पर लगाएँगे। ये देखिएगा, मेरे फादर ने रोज़ लगा रहे। होगा क्या, इसके ऊपर कोई अखराजात भी नहीं आते। और जब आप अपने घर के सहन में या कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के देहातों की बात करें, तो वहाँ पे आप लोगों को चाहिए कि एक बंदा एक परिंदे के लिए एक घर वहाँ पे बना दे, तो वो गर्मियों में वहाँ पे रहेंगे, सर्दियों में वो वहाँ पे रहेंगे। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो बेचारे मरेंगे नहीं। ये इतना बड़ा सदका जा रही है, और आप बिलीव करेंगे जब हम इस मुहिम का आगाज़ करेंगे, एक महीने के अंदर हम हज़ारों घर इस तरह के बना सकते हैं। मैं इसको बताता हूँ, फिर हम लगाते हैं। बल्कि हमने इसको अभी थोड़ा बेहतर करना है, और मैं अबू से भी बात करूंगा। ये हमने जो मुहिम शुरू की है, यहाँ पे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लोकल गवर्नमेंट पार्कों में, जंगलों में, हर जगह पे बना रहे हैं। तो हमने इनकी खास के ऊपर ये किया, तो पाकिस्तान में किस हद तक ज़रूरत है इन चीज़ों की? खासकर गर्मियों तो परिंदों को तो बहुत पानी नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती, गर्मी होती है। और परिंदे मरते हैं? हाँ जी जी, गर्मी से मरते हैं, पानी ना हो तो उससे ही मरते हैं। फिर ये होता है कि कुछ ऐसी जगह पर जाकर वो अगर घोंसले वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ सांप वगैरह बाकी चीज़ें जो आती हैं उनके अंडे बच्चे वो जो खा जाते हैं ऐसी जगह में, वो ठीक है। तो अब मैंने अक्सर देखा, पुराने हमारे बुज़ुर्ग जो थे, बाप दादा, वो ऐसे करते थे कि थोड़े से दाने लिए, सुबह जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद उनको छत पर डालना, ऐसे कि वो चीज़ें आज नहीं, आज कोई नहीं करता। अगर ये चीज़ें छोटे छोटे घर बनाए जाएँ घरों के, ये जो परिंदे हैं, इनको जब आप खुराक डालते हैं तो आपकी रिस्क में इजाफा होता है, रिस्क में अल्लाह को, यानी कि सदका जारी है इतना बड़ा। तो आप भी लोगों से कहेंगे उनको घर बनाना चाहिए? बिल्कुल जी, ये बनाना चाहिए। और एक तो एक मुश्किल भी है और एक सदका भी है, घर के सामने जैसे वो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये भी अल्लाह की मुश्किल का इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हर आदमी बना सकता। बिल्कुल, ये देखें, मैंने और इस्माइल ने मिल के ये गत्ता था, इसको सेलोटेप लगाई ताकि ये पानी में ख़राब ना हो, और ये प्लास्टिक की चीज़ें थी पीछे। अब एक और चीज़ लगाएंगे, यहाँ ऐसे खड़ा होगा, यहाँ हमारे सहन में परिंदे आएंगे, हमें अच्छा लगेगा, घूमेंगे फिरेंगे। पाकिस्तान में परिंदे इंसानों से भागते हैं, यहाँ परिंदे इंसानों के हाथों पे बैठते हैं। कभी सोचिएगा ऐसे क्यों होता है? आप डांटते हो उनको, ठीक है इस्माइल? परिंदों को पत्थर नहीं मारने चाहिए? नहीं। ओके फिर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।